आप देखो टेल ऑफ टू कंट्रीज, स्पिन ट्रैक, दोनों देशों ने स्पिन ट्रैक दिया हुआ, वहां से फाइट करती है पाकिस्तान। आपने क्या फाइट दिखाई? साउथ शकील 100 मारता है, नोमान अली 40 मार गया, कटप्पा ऑलमोस्ट 50, कटप्पा नॉट आउट गया है। ये होता है जज्बा, ये होता है कि अपनी कंडीशंस का फायदा उठाना। और आप के सारे बड़े बड़े धुरंधर न्यूजीलैंड के सामने कर गए सरेंडर, बार बार के तुम्हारा भरता बना दिया, हैया हो अश्विन छक्का, हैया हो बुमराह चौका। आपने तो हमारी जिंदगी में ऐसी एक्साइटमेंट दिया, सुबह से शाम तक समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। और पाकिस्तान वहां पहले जा रहा है, पे सल्यूट है भाई कटप्पे को, कसम से। नहीं देखो, टप्पा ने यहाँ पे दिखाया भाई के जज्बा क्या होता है देश के लिए खेलने का। क्या बैटिंग ये कर रहा है, बॉलिंग ये कर रहा है, बब्बर शेर की तरह लड़ाई। और नोमान अली भी, नोमान अली की बात नहीं हो रही, उसने कभी रखी कोई इंग्लैंड। जो हाल तुम्हारा किया ना आज न्यूजीलैंंड ने, जो दोस्तों जैसा कि आप हाईलाइट में देख चुके हैं, चल सैकड़ आगे करके हम कमल वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तीसरे टेस्ट मैच में आप देखो टेल ऑफ टू कंट्रीज, पहली इनिंग में न्यूजीलैंड ने कितने रन मारे? 259 मारे न्यूजीलैंड ने, ठीक है जी। स्पिन ट्रैक, दोनों देशों ने स्पिन ट्रैक दिया हुआ और हमारे स्पिनर्स उनसे काफी बड़े नाम, वहां से इंग्लैंड सारे आउट हो गए थे। एंड में जेमी स्मिथ ने तोड़ के रख दिया, वो बना गए कितने? 270 के आसपास मार गई इंग्लैंड। यहां से न्यूजीलैंड 259, इंग्लैंड 270, ठीक है। आप बैटिंग पे आए, आप बैटिंग पे आए 156 ऑल आउट इंडिया अपनी पिच पे। पाकिस्तान बैटिंग पे आई, कोई विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, कुछ नहीं उनके पास। 177 पे सेवन कर दिया इंग्लैंड ने, 177 फॉर सेवन, वो भी स्पिन पे आउट हो रहे आपकी भी टीम। वहां से फाइट करती है पाकिस्तान, आपने क्या फाइट दिखाई? वहां से फाइट करती है पाकिस्तान, मेरे ख्याल 70 की तो लीड ले रहे हो, 77 की लीड ले गई पाकिस्तान। कैसे? 344 बना के गए। कैसे? साउथ शकील 100 मारता है, बढ़िया 100 मारता है नीचे से। साथ में बैटिंग कौन कर रहा है भाई? नोमान अली 45, कटप्पा, नोमान अली 40 मार गया, कटप्पा ऑलमोस्ट 50, कटप्पा नॉट आउट गया है, जबड़े में उसके लग गए, खून खून हो गया, नॉट आउट गया कटप्पा 48 पे। और आप के सारे बड़े बड़े धुरंधर न्यूजीलैंड के सामने कर गए सरेंडर, वो वहां से 177 से 344 मार गए और तुम 156 पे ऑल आउट हो गए। और जब वो आए बैटिंग करने न्यूजीलैंड तो तुमसे आउट नहीं हुआ। अब जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई है, पाकिस्तान 19 पे 2 कर दिया। ये होता है जज्बा, ये होता है कि अपनी कंडीशंस का फायदा उठाना। अगर आपने स्पिन ट्रैक दिया है तो तुम्हारे स्पिनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के विकेट लो, तुमसे विकेट ली जा रही है, बार बार के तुम्हारा भरता बना दिया, जब खुद बैटिंग कर रहे हो बैटिंग नहीं हो रही। यहां पे पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीतने के कगार पे आ गया, अभी भी 58 रन की लीड है पाकिस्तान की, 19 पे 2 हो गया इंग्लैंड, 19 पे 2, और तुम बॉलिंग कराए जा रहे हो न्यूजीलैंड भारे जा रही है, बॉलिंग कराए जा रहे हो न्यूजीलैंड भारे जा रही है। हैया हो अश्विन छक्का, हैया हो बुमराह चौका। अब इन्होंने भी तो कमबैक किया, पाकिस्तान टीम ने भी तो भैया इतना बड़ा करा कि इंग्लैंड जैसी टीम को हरा रहे घर पे बेन स्टोक्स के साथ। ये भी तो जो रूट, ओली पोप, ब्रुक वगैरह को आउट कर रहे हैं। और इवन फर्क ये भी है कि आप 46 पे ऑल आउट हो गए थे, आप मैच हार जाते हो, ये वाला मैच भी हार रहे हो। पाकिस्तान पहले टेस्ट मैच के अंदर ऑलमोस्ट 1000 रन खा गया था, ऑलमोस्ट 1000 रन, वहां से आके इन्होंने ऐसी पिच बनाई, उस पर अच्छा भी करा। वो एक बड़ी हुई सिचुएशन से 177 से टेस्ट मैच जीतने के कगार पे आ गए, जब वो बॉलिंग करा रहे 19 पे 2 कर दिया, मतलब फाइट कर रहे यार। तुम्हारे टेस्ट मैच में फाइट भी नहीं हो रही है भाई, वन साइडेड ही चल रहा है। 50 रन नहीं बनाए पूरी टीम ने मिलके, और बातें बड़ी बड़ी करा लो कि ड्रॉ हमें बोरिंग लगता है। आपने तो हमारी जिंदगी में ऐसी एक्साइटमेंट दिया, सुबह से शाम तक समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। और पाकिस्तान वहां पहले जा रहा है, पाकिस्तान टेस्ट में ना 3 में ना 13 में तुम टॉप पे, सल्यूट है भाई कटप्पे को, कसम से। नहीं देखो, खूने खून हो, पाकिस्तानी हो जो मर्जी हो, कटप्पा ने यहां पे दिखाया भाई के जज्बा क्या होता है देश के लिए खेलने का, कि हम छोटी टीम है, हम टेस्ट में पीछे, हम 3 साल से टेस्ट मैच नहीं जीते, हम सीरीज जीतने के लिए जा रहे हैं, हरा के दिखा दो। क्या वो बड़ी भी सिचुएशन से वापस लिया, बैटिंग ये कर रहा है, बॉलिंग ये कर रहा है, बब्बर शेर की तरह लड़ाई, कोई मजाक नहीं कर रहा, बब्बर शेर की तरह लड़ाई बंदा। और नोमान अली भी, नोमान अली की बात नहीं हो रही, उसने कभी रखी कोई
सलमान अली आगा ने कमी रखी कोई पिछले टेस्ट मैच में देखो जाके साउथ शकील ने अच्छा हर बंदे का पार्टिसिपेशन है ये पाकिस्तान तो 70 दी बनाने देगी 24-3 इंग्लैंड जो हाल तुम्हारा किया ना आज न्यूजीलैंड ने जो बैटिंग तुम करने आए थे एक के बाद एक विकेट वो हाल पाकिस्तान कर रही है इंग्लैंड का और मैंने आपको बोला था एक बार मोमेंटम ले गए सीरीज जीत जाएंगे सेकेंड टेस्ट मैच के बाद मैंने बोला था पाकिस्तान इज विनिंग द सीरीज और फर्स्ट टेस्ट मैच इंग्लैंड के बाद मैंने बोला था इंडिया इज लूजिंग द सीरीज एंड प्लीज गॉड मैं गलत हूं पाकिस्तान के केस में तो वो जीत गए इन्होंने भी हार नहीं मानी ना पाकिस्तान ने हार नहीं मानी भाई ये कहां से सीरीज लेके गए हैं याद है आपको 550 पे 850 पड़ गया था ऑलमोस्ट इनिंग्स डिफीट से हार गए थे पहला मैच 1000 रन पड़वा दिए थे ऑलमोस्ट 1000 रन 300 मार गया ब्रुक 250 मार गया रूट पहले टेस्ट मैच में और वापसी करी वहां से तुम्हारे को भी एडवर्सिटी मिली थी तुम भी 46 पे ऑल आउट हो गए तुमने क्या वापसी करी अभी तक वापसी आ बेइज्जती करवाई है तुमने तो सिर्फ उनको देख के मेरे को विश्वास नहीं हो रहा 20-3 इंग्लैंड फाड़ के रख दिया उन्होंने खत्म कर रहे हैं अरे तो और एक हद से साजिद कर रहा है दूसरे से डोबाल नहीं कर रहा है दे शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स एंड यू शुड बी अशेम्ड भाई साहब यहां पर डे एंड हो गया है स्टंप्स हो गई हैं अभी भी न्यूज पाकिस्तान की 50+ की लीड चल रही है 20 रन पे 3 आउट कर दिए इंग्लैंड के और अगर आधा घंटा मिल जाता मेरे को लगता है ऑल आउट ही कर देते क्या पंपअप है यार आज तो ऑफ ही कर दे कॉन्फिडेंस देख तू जिद्द आ रखा है भाई कि जो कॉन्फिडेंस आता है ना जब टेल एंडर मैच बचाते हैं लड़ जाते हैं टेल एंडर कि नहीं जी जिताना है टेस्ट मैच उसके बाद आप मैच हार ही नहीं सकते सेकंड टेस्ट मैच आपको याद है फर्स्ट इनिंग्स में साजिद आता है 7 विकेट सेकंड इनिंग्स में नुमान आते हैं 8 विकेट इन दोनों ने तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन लगाया हुआ है कौन ज्यादा विकेट आउट करेगा साजिद या नुमान थर्ड टेस्ट में पाकिस्तान का स्कोर कार्ड दिखा थर्ड टेस्ट में साजिद आते हैं 6 विकेट अभी नुमान 2 विकेट के साथ खेले वो ये इन दोनों कॉम्पिटिशन कल भी यही चलेगा 24 अरे तो हमारे अश्विन जडेजा क्या हो गया मुझे क्या मालूम क्या हो गया कॉम्पिटिशन हम तो मैचअप्स में फंसे हुए हैं लेफ्टी है तो लेफ्टी में बोलिंग नहीं करो हम क्या करें दौरे पड़ते हैं क्या हो रहा नहीं कॉम्पिटिशन की बात हो रही थी तो हमारे अश्विन जडेजा क्या हो गया यार उनका दिल का दौरा पड़ जाएगा हम मैचअप में लगे पड़े हैं कि लेफ्टी के सामने लेफ्टी बोलिंग नहीं करेगा राइटी के सामने राइटी बोलिंग नहीं करेगा हम मैचअप में घुसे पड़े और स्पिनर्स को लाया गया स्पिनर ट्रैक दिया गया अगर पहले से स्ट्रैटेजी रखते तो शायद आज जब मैं तो देखना चाहता हूं इंडिया पाकिस्तान फाइनल डब्ल्यूटीसी तब आएगा मजा अब नहीं हो सकता टेस्ट मैच में अब तो नहीं हो सकता अगले साल हो जाए अगले सेशन हो जाए अगले साइकिल में हो जाए